नमस्कार दोस्तों, मैं भृगुनाथ पांडे, आपका अपना दोस्त, आपके अपने चैनल A to Z रिपेयरिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सोनी का होम थिएटर है, आज ही आया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा खुला हुआ है, इसी तरह से खुला हुआ आया है। आप देख सकते हैं इसका वायर वगैरह जो है, सारा वायर वगैरह जो है छूटा हुआ है, और इधर से भी कुछ वायर छूटा हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसका कनेक्शन करके दिखाने वाला हूं, और कनेक्शन करने के बाद में देखते हैं कि ये हमारा किट में जो है किसी तरह का दिक्कत है या सिर्फ कनेक्शन से ही ठीक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कनेक्शन को सबसे पहले वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम का कनेक्शन करने के लिए वॉल्यूम को इस तरह से रखेंगे, और वॉल्यूम का ये नॉब जो है अपने तरफ रहेगा, और इधर का दाहिना साइड का जो है दो पिन जो है आपस में शॉर्ट करके इसको जो है ग्राउंड में दे देना है। ये ग्राउंड आपको जो इधर जो किट रहता है उसमें भी दे देना है, और ये USB कार्ड जो दिख रहा है ये इसमें भी दे देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक ग्राउंड जो है दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है वॉल्यूम का बीच वाला पर जो है दोनों साइड का, दोनों चैनल का ऑडियो आता है। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम का कनेक्शन जो है, वॉल्यूम का ऑडियो वाले पिन पर जो है दो वायर जुटा हुआ है। अब दो वायर बायां तरफ, यहाँ पे लेफ्ट राइट चैनल का जो है, इसको प्री कहते हैं। ये प्री का कनेक्शन जो है ये हमारा कार्ड में जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है कार्ड में जो है प्री का कनेक्शन जो है किया हुआ है, जिसे RL बोलते हैं। RL आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड में, यहाँ खोलेंगे कार्ड को तो यहाँ पे RL लिखा हुआ नज़र आएगा। एक ग्राउंड रहेगा, एक RL रहेगा। तो RL का कनेक्शन जो है ये वॉल्यूम में जाता है, तो वॉल्यूम में किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा तीन कनेक्शन जो है छूटा हुआ है, एक दो तीन। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि ये तीन कनेक्शन देख सकते हैं, एक वायर ग्रीन है, एक ब्लैक है, एक रेड है। तो ये तीनों वायर किस चीज़ का है ये देखने के लिए जो है हम होम थिएटर को जो है दूसरा साइड में दिखाते हैं। वायर को याद रखना, एक ग्रीन है, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है सारे के सारे वायर जो है छूटा हुआ है। तो अब हम इस साइड में जो है कनेक्शन जो है कर लेते हैं, जहाँ से जो वायर छूटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिब्बी लगा हुआ है, ये डिब्बी को AV सॉकेट भी कहते हैं, या लेफ्ट राइट ऑडियो डिब्बी कहते हैं। तो ये डिब्बी से जो है तीन कनेक्शन आता है, इसमें भी एक RL रहता है और एक ग्राउंड रहता है। तो RL देख सकते हैं आप कि RL जो है यहाँ पे दो कनेक्शन किया हुआ है, जो कि यहाँ रेजिस्टेंस पर से किया हुआ है, और ग्राउंड का पड़ता है तो ग्राउंड छूटा हुआ है। तो इसको हम ग्राउंड में जो है कनेक्शन कर देंगे। तो ट्रांसफार्मर का भी कनेक्शन आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का कनेक्शन किया हुआ है। अगर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन छूटा हुआ रहता तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन हॉल है, तो ये हॉल में यहाँ पे कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे किया हुआ है। अब आते हैं ये कनेक्शन में। अब ये देखना है कि ये वायर जो है किस चीज़ का छूटा हुआ है। आप देख सकते हैं ब्लैक है, रेड है, और ये येलो और ब्राउन थोड़ा सा मिक्स है। तो चलिए, इसका कनेक्शन करने के लिए हम इधर देख लेते हैं कि ये कनेक्शन किस चीज़ का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वायर आया हुआ है, ये तीन वायर जो है अलग से आया हुआ है, जो उधर हमने दिखाया था ब्लैक है और रेड है और येलो और हल्का सा ब्राउन मिला हुआ है। तो ये वाले वायर जो है यहाँ पे आया हुआ है कार्ड में। तो यहाँ पे कार्ड को हम खोलेंगे तो नीचे ऑक्स लिखा हुआ नज़र आएगा। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे ऑक्स L और R ही होगा, इसीलिए हमको खोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसका कनेक्शन AUX L और AUX R का कनेक्शन जो है हम ये वाले डिब्बी में करते हैं। तो चलिए डिब्बी में कर लेते हैं।
तो ये ऑक्स का कनेक्शन करने के लिए जो है हम ये पहले चेक करेंगे कि ये तीनों पॉइंट जो खाली दिख रहा है उसमें से ग्राउंड कौन सा है। तो ग्राउंड चेक करने के लिए हम एक प्रोड को कहीं भी ग्राउंड पर रख लेंगे। तो चलिए हम यहीं पे ग्राउंड पे रख लेते हैं यहाँ पे, और बारी बारी से चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले कनेक्शन पे जो है ग्राउंड बता रहा है, तो हम यहाँ पे ग्राउंड का कनेक्शन कर देते हैं। और दोनों को आरएल किसी में भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसका भी कनेक्शन हो गया। तो अब बच जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 वायर है। तो देख लेते हैं कि ये 6 वायर जो है कहाँ से आया हुआ है। तो 6 वायर में देखिए, एक वायर जो है ये एलईडी पर आया हुआ है सफ़ेद वाला। तो चलिए सफ़ेद वाला को छोड़ देते हैं, बाकी तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये हमारा रेड वाला वायर जो है ग्राउंड में लगा हुआ है दूसरा साइड। मैं आपको दिखा नहीं सका, कैमरा को थोड़ा उधर मूव करने में परेशानी हो रही है। तो ग्राउंड जो है हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देते हैं ग्राउंड को। और यहाँ से ये ग्राउंड जो है बारी बारी से सब जगह जाएगा, ये किट में भी जाएगा, ये किट में भी जाएगा और ये किट में भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड का एक वायर जो है यहाँ से छूटा हुआ है, तो ये वाला वायर भी जो है यहाँ ग्राउंड में दे देंगे। और ये वाले किट से भी, और आप देख सकते हैं कि ये वाले किट से भी एक वायर छूटा हुआ है। तो ये दोनों को मिला करके ग्राउंड यहाँ दे देंगे। तो पहले तो बाकी का कनेक्शन कर लेते हैं। तो बाकी का कनेक्शन करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक वायर छूटा हुआ है। तो ये वाला वायर जो है प्री का है, तो चलिए अभी अभी छूटा हुआ है, तो इसका कनेक्शन कर लेते हैं। प्री क्या होता है, ऑडियो क्या होता है, ऑक्स क्या होता है, ये तो आप जान ही रहे होंगे, और नहीं जान रहे होंगे तो इसका, तो इसके लिए एक वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगा। ये सब वायर का भी कनेक्शन कर ही लेते हैं। ये वाला वायर भी छूट गया, तो ये वाला वायर को भी जो है हम जोड़ देते हैं, ये अभी अभी छूटा हुआ है। तो ये वाला वायर देख सकते हैं इसके साथ है, तो बाकी सारा कनेक्शन किया हुआ है। और ये ब्राउन वाला बीच में लगा हुआ है और इसी के साथ में ये है, तो ये भी इधर वाले चैनल पर जो है बीच में जाएगा। ये ऑडियो का कनेक्शन है, ये ऑडियो दोनों लेफ्ट राइट चैनल का, लेफ्ट राइट चैनल का ऑडियो आया हुआ है। ये दोनों एक जगह से आया हुआ है, देख सकते हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है तो एक यहाँ पे लगेगा। ये इसको भी जो है फिर से जो है कनेक्शन कर देते हैं। तो ऑडियो का भी आप किसी भी चैनल में किसी का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम का कनेक्शन हो गया, वॉल्यूम को कस देते हैं ताकि और वायर जो है ना छूटे और आगे कनेक्शन करने में जो है दिक्कत ना हो।
ये वाला वायर सफ़ेद वाला देख रहे हैं, ये यहाँ रेजिस्टेंस पर लगा हुआ था, पहले ही खोले थे उसी समय ध्यान में था, अभी पलटने के कारण जो टूट गया है। मैं इसका कनेक्शन भी बता दूंगा, जो बोर्ड को जो है दूसरा तरफ से जो है चेक करेंगे। फिलहाल मुझे याद है कि ये कनेक्शन यहीं पे था। तो एक बात का तो कंफर्म है कि एक वायर जो है एलईडी पर का है, क्योंकि यहाँ से एक वायर एलईडी पे गया है तो एक वायर और एलईडी पर जाएगा। तो कौन सा वायर एलईडी के लिए वो अभी पता नहीं चल रहा है, तो इसको अभी देख लेते हैं। बाकी का दो कनेक्शन देख लेते हैं कि किस चीज़ का है, तो एक वायर जो पता चल जाएगा कि एलईडी का कौन सा है। तो दो कनेक्शन देखने के लिए हम इधर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि रेड वायर जो है ग्राउंड का है, जो कि ग्राउंड में डाले थे, तो यहाँ ग्राउंड का कनेक्शन में किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो प्रिंट जो है आपस में शॉर्ट है, मतलब एक ही प्रिंट दो जगह किया हुआ है, और ये ग्राउंड से आया हुआ है, तो एक ग्राउंड में दे देते हैं और ये दो प्रिंट है। तो ऐसा ही है कि ये ग्राउंड है हमारा और ये दो लेफ्ट राइट ऑडियो है। तो ये ऑडियो वाला जो उधर वॉल्यूम के बीच में जो लगा हुआ था वो वाला कनेक्शन है यहाँ पे करना है, एक लेफ्ट राइट किसी में भी कर सकते हैं, और एक ग्राउंड करना है। तो इधर से तीन वायर जो है देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है वॉल्यूम पर से आया हुआ है, वॉल्यूम के बीच वाले पिन से कौन सा आया हुआ है। तो मैं इधर देख लेता हूँ, एक रेड है और एक येलो और ब्राउन टाइप का कुछ मिला हुआ मिक्स है। तो एक इसमें से एक रेड है, आप देख सकते हैं ये रेड है और ये हल्का सा येलो टाइप का है। तो ये दोनों का कनेक्शन भी जो हम कर लेते हैं। इसको जो है यहाँ पे कर देते हैं। फिलहाल तो ये ग्राउंड का कनेक्शन किया हुआ है, पर यहाँ पे दिया हुआ है जगह, तो एक और ग्राउंड हम कोई सा भी दे देते हैं। ये वायर हमारा जो है खाली है, तो ये ग्रीन वाले में ग्राउंड का कनेक्शन दे देते हैं। और एक वायर जो है यहाँ पे दे देते हैं एलईडी के लिए, ये होगा जो एलईडी वाला में जो एलईडी का कनेक्शन में गया था, तो एलईडी वाला ये रेजिस्टेंस पर से डाल दिए। अब आप देख सकते हैं कि एक वायर बच गया, तो एक वायर जो है कार्ड पर जो है 5 वोल्ट जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है, रेगुलेटर आईसी ये है, इसका नंबर है 7805। तो इससे 5 वोल्ट रेगुलेट करके जाता है कार्ड पर। तो चलिए इसका कनेक्शन जो है कर लेते हैं। यहाँ दो वायर और छूटा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये बूफर से आया हुआ है। तो बूफर के लिए आपको जो है ये सबसे लास्ट वाला आईसी जो लगा हुआ है ऑडियो आईसी, उसमें कनेक्शन होता है, तो उससे जो होता है यहाँ पे जगह दिया हुआ होगा बूफर के लिए अलग से। तो ये दो पॉइंट जो खाली है वहाँ पे बूफर का कनेक्शन जो है कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे तीन वायर बच गया है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये ब्लू वाला जो है उधर 5 वोल्ट में लगाए थे, रेगुलेटर आईसी के 5 वोल्ट जहाँ से आउट करता है वो वाली पिन पे जो इसका कनेक्शन किए थे। तो कार्ड में 5 वोल्ट जहाँ से इन करेगा वहाँ देना है। तो कार्ड में 5 वोल्ट के लिए आप देख सकते हैं
यहाँ पे दो वायर लगा हुआ है, एक ब्लैक और एक येलो, और यहाँ से ये कनेक्शन यहाँ पे गया है, तो यहीं पे कनेक्शन कर देते हैं। तो ये हमारा 5 वोल्ट ही होगा। आप कंफर्म हो ले, इसको खोल के देख ले, इसके बाद ही कनेक्शन करें। इसको 5 वोल्ट के जगह पर जो है हम कनेक्ट कर देते हैं। ये दो वायर बच गया, एक ग्राउंड है और एक एलईडी के लिए है। तो अब मैं इसमें पेन ड्राइव लगा के आपको दिखाने वाला हूँ कि ये बज रहा है कि नहीं। मैंने अपना कॉपीराइट फ्री म्यूजिक जो है इसमें डाउनलोड कर लिया है, ये देख सकते हैं, ये ठीक ठाक हमारा बज रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।